हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और कहां पर अभी आना बाकी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लगभग मैं 10 से 11 स्टेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। क्या आपके राज्य में एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं या नहीं आए हैं, आपके राज्य में कब आएंगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अभी कहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं और कहाँ के बंद हो चुके हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो एंड तक देखना। आप क्या इन राज्यों से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, आपको पता लग जाएगा। अगर आपके राज्य में नहीं आए तो कब आएंगे, इसकी भी एक्सपेक्टेड जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखना। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो शाम 5 बजे आज आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होने जा रहा है, तो सभी टेस्ट को जरूर अटेंड करें। तो आप सभी जरूर अटेंड करना टेस्ट को। इसके अलावा आज आपकी फिजिक्स की क्लास भी होगी जो 2 बजे होने वाली है, और 11 बजे आपको पता है इसे विनोद सर की क्लास आपके लिए होती है। बाकी जो बायोलॉजी की क्लास है वो बता दी जाएगी, आपकी बायोलॉजी की क्लास वैसे होने वाली है शाम को शायद 8 बजे के आसपास होने की, तो 8 बजे हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें थी इम्पोर्टेंट, याद रखना। अब बात करते हैं, INC ने अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि सभी को 31 अक्टूबर से पहले एडमिशन लेना जरूरी है, लेकिन एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि अभी कई जगह एप्लीकेशन फॉर्म आना ही बाकी है। एंट्रेंस एग्जाम कहाँ से हो जाएगा इतना जल्दी, तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया और इस INC के नोटिस के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होना मुश्किल है। फिर भी देख लेते हैं, अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10-11 राज्य हैं जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और जहां आना भी बाकी है एक दो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा पीजीआई रोहतक में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और यहां पर फॉर्म क्लोज ही हो चुके हैं। कब के पीजीआई रोहतक जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए और क्लोज हो चुके हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम डेट आने में है। जल्द ही एग्जाम डेट आपके लिए सूचित घोषणा मिल जाएगी, एग्जाम डेट जैसे आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो पीजीआई रोहतक के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और इसके फॉर्म डेट क्लोज हो चुकी है, तो ये यहाँ के फॉर्म आ चुके हैं, यानी कि हरियाणा में फॉर्म आ चुके हैं। आगे बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़, तो पीजीआई चंडीगढ़ में भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, वहाँ पर एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है, सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो चुका है, एडमिशन होने में जा रहे हैं स्टूडेंट्स का। पीजीआई चंडीगढ़ में सभी पोर्टल्स अवेलेबल हैं, यानी कि वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी टाइम से ही रिलीज हो चुके थे, तो देख सकते हो आप। इसमें जो CBT बेस्ड है, मतलब इसमें आपका एग्जाम हो चुका है और आपके एप्लीकेशन। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके, तो चंडीगढ़ के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। इसके अलावा बात करते हैं बिहार की, बिहार में आप सभी को पता है बिहार में एप्लीकेशन फॉर्म कभी के आ चुके, एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उनका। बिहार में जो बिहार कॉम्बिनेशन बोर्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड यहाँ देख सकते हो आप, डाउनलोड एडमिट कार्ड BCECS यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस बोर्ड का है नाम बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, क्लोजिंग डेट हो चुकी है और एडमिट कार्ड इसके आ चुके हैं, तो जाकर देख लेना। बिहार के फॉर्म आ गए, बिहार के कैंडिडेट ऑल इंडिया के कैंडिडेट RHS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट बिहार का है तो ऑल इंडिया के वो RHS के लिए अप्लाई करेगा। बात करते हैं अगला स्टेट आता है आपका यूपी। यूपी में 2 यूनिवर्सिटी चलते हैं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो नई वाली है, और एक KGMU में चलती है। तो अभी KGMU में आना बाकी है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी में, जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आपके नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कभी के रिलीज हो चुके हैं। क्या नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो जो BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, 18 अक्टूबर तक आपको पेमेंट जमा करवाना था, लेकिन आप सभी ने नहीं करवाया, तो उसके एग्जाम डेट जल्द ही डिसाइड कर दी जाएगी। जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लेना।
अगला स्टेट यूपी है, यूपी की अगली यूनिवर्सिटी है केजीएमयू। केजीएमयू यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है अभी? तो केजीएमयू यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस मंथ में आने की पूरी संभावना है। तो आपके जो केजीएमयू यूनिवर्सिटी उसके एप्लीकेशन नर्सिंग बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म इस मंथ में आने की पूरी संभावना है। तो इस मंथ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देगी जहाँ तक है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म इस मंथ में आ जाएंगे। इसके लिए लास्ट ईयर परसेंटेज बेस पर आपका एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार किस के आधार पर होता है उसके आपको बता दिया जाएगा। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लेना। भारत की कोई सी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हो वहाँ की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन करके रखिएगा। अगला अपना निकल कर आ रहा है स्टेट उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड जो निकल कर आ रहा है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। कब एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा हो, सभी के जीएनएम पैरामेडिकल एएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इनका जो शेड्यूल रहने वाला है वो इस प्रकार रहने वाला है। तो शेड्यूल देख लेना आप सभी, ओनली शेड्यूल दिखाऊंगा मैं आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि 13 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 11 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आ जाएंगे 14 नवंबर को, और जो आपकी परीक्षा तिथि रहने वाली है एएनएम के लिए 20 नवंबर है, और बाकी जो जीएनएम एएनएम और जीएनएम के लिए 20 नवंबर शनिवार को है। जबकि बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो 21 नवंबर रहने वाली है। तो ये देख सकते हो आपके लिए एग्जाम डेट वगैरह सबको डिसाइड हो चुकी है, लेकिन अगर कोई भी एक्सचेंज होती है डेट में तो आपको अलग वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है अभी टाइम में ऐसा चल रहा है तो हो सकता है आपके डेट आगे पीछे हो जाए, ठीक है। आगे अगला स्टेट आपका निकल कर आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात अपन करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब के रिलीज हो चुके हैं और आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट होकर उसकी काउंसलिंग तक स्टार्ट हो चुकी है। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो गई, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म कभी के आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्म अप्लाई किया हो तो अपने जरूर देख लेना। अब बात करते हैं अगला जो स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान की आप बात करते हैं, राजस्थान में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है? आरएचएस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। तो राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। तो अभी तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए। लास्ट ईयर 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस बार कुछ अन्य रीजन से, बहुत सारे बिजी कारण की वजह से आरएचएस अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं कर रहा। जल्दी आरएचएस अपने बीएससी नर्सिंग की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देगा। जैसे आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रॉपर जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद या हेल्पफुल जानकारी रहती है, और अच्छी तरीके से आपके लिए क्लासें ली जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए एमसीक्यू करवाए जाते हैं। अगर आप सभी सपोर्ट करते हो तो आपको जरूर कुछ मिलेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हम भी क्लास लेने से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखना आरएचएस में एप्लीकेशन फॉर्म 25 तारीख आने की संभावना है। आ सकते हैं किसी भी टाइम, जब भी आएंगे तब आ जाए। आप तो अपनी तैयारी जबरदस्त रखो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म से क्या मतलब है, ठीक है। तो अपनी तैयारी जबरदस्त रखनी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला जो अपना स्टेट निकल कर आ रहा है जीएमसीएच चंडीगढ़, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म आकर रिलीज हो चुके हैं और इसका एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है। तो इसकी आपको कहिए नहीं है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कभी के रिलीज हो चुके हैं। तो चंडीगढ़ में एक तो पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जीएमसी चंडीगढ़ हो गया, सीएच चंडीगढ़ हो गया, तो सभी जगह एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। राजस्थान ऐसा बचा हो जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आना बाकी है, जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भी रिलीज कर दिए जाएंगे। लास्ट में अपन बात करते हैं गुजरात। गुजरात के एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, गुजरात के एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। अभी गुजरात में भी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे नर्सिंग के भी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि इसमें जो पोर्टल है, पोर्टल आपके सामने आ चुका है, देख सकते हो एडमिशन फॉर ईयर 2021-22 इसके लिए आ चुका है। लेकिन अभी इसमें कुछ सही से जो अप्लाई करने का ऑप्शन वगैरह या फुल नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक रिलीज नहीं किया है। ओनली इन्होंने पोर्टल के लिए बोला है कि फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ इसके लिए बोला, अभी कुछ
आया नहीं है, ठीक है। तो आपके स्टेट का कौन सा है, आपका स्टेट आपके यहाँ जानना चाहते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म आए या नहीं आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा या उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। अगर आपका स्टेट इनमें से है तो बताइए कि आपके फॉर्म आ गए और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, और आपने राजस्थान से हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।